अरे मैं आप जिसे मेरी करने बात की सुनिए कोशिश मैडम, की मैं जवाब ना, दूंगा तो ये थोक हाई के। कोर्ट मेरी है बात अपील सुनिए, करने में जब कमीशन भाड़ा वाले आई की थी कश्मीर नियुक्ति के आप अंदर, अरे कि देश में जब आप मेरे बोलते हैं, हिंदू, आरबीसी जो आप जब बोलते सिख हैं ना, या मुसलमान तो आप या बोल रहे हैं भाई ना उसमें या कितनी मेरी सच्चाई बहनें, है, जब कितनी पानी में बह सच्चाई रही है। थी तो हिंदुस्तान की फौज किसने भेजी थी? साथ इस वक्त एमएस बिट्टा साहब है, एमएस बिट्टा भी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, और जो कि एंटी टेररिस्ट फ्रंट के, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन है। जय हिंद बिट्टा जी। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा आज, जय हिंद। देश को नया कश्मीर जय हिंद पसंद है, वंदे मैं तो मातरम। सीधा ताल ठोक के कहता हूं, ना इधर ना उधर, सीधी बात, देश को नया कश्मीर पसंद है बिट्टा जी। अमन जी आपको याद होगा आपकी डिबेट के अंदर 370 धारा हटने से 2 दिन पहले जहां पंडित जी भी थे, सुशील पंडित जी भी थे, हमने कहा था कि कुछ होने वाला है, पर यह उम्मीद नहीं थी 370 धारा के ऊपर चर्चा होगी। होगा तो 35(1) की बात होगी। क्या मिला हमको? 370 धारा। एक मुल्क के अंदर जो एक तरफ एक गुलामी मानी जाती थी, तिरंगे झंडे का अपमान होता था, जवानों की शहादतें होती थी, 70 साल के इतिहास को वो जो हमारे उस वक्त की राजनीतिक लोगों की गलतियों से हुआ था मिटा के वो फेंक दिया। एक नई आजादी, एक नया इतिहास बना। आज आज कश्मीर के अंदर अमन शांति है। अगर दुकानदारी बंद हुई है तो महबूबा मुफ्ती की और फारूक अब्दुल्ला और ये चार लीडरों की दुकानदारी बंद हो गई, और आम जो कश्मीरी है, आपकी रिपोर्टिंग रोज हो रही है, आपकी रिपोर्टिंग रोज देख रहा हूं मैं त्यागी मैडम की, कि किस तरीके से कश्मीर के लोगों, मेरी बहनों भाइयों के साथ जाकर के आम पब्लिक के साथ बता रहे कि पहले का कश्मीर और आज का कश्मीर, आज अमन शांति है। अगर कोई ये कहता है कि हमें अंदर बंद कर दिया गया है तो इनको अंदर ही बंद रहना चाहिए, पर आम जो आवाम है उसको पूरी आजादी मिल चुकी है, अच्छा कारोबार करे, विकास हो, नौकरी हो और उनके बच्चे तरक्की के रास्ते पे जाए। अरे इनके बच्चे तो पढ़ते फॉरेन, और यहाँ सेंटर का आया हुआ खून पसीने का, हमारे टैक्स का पैसा ये गलत इस्तेमाल करते थे, आज वो पैसा आज हर आदमी के लिए, हर आवाम के लिए कश्मीर के अंदर इस्तेमाल होगा। ये आज का कश्मीर है जनाब, जी हमें तो शुक्रिया अदा करना बिट्टा जी चाहिए। बताए आज ना जहन में एमएस बिट्टा और जनरल गुरमीत, अब आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले एमएस बिट्टा आप बोलना चाहता, कश्मीर में तिरंगा सब चंगा। एक नाम सुना था आपके चैनल में, काफी डिबेट हुई, शबनम लोन, बहुत गर्ती थी, बहुत गर्ती थी 370 धारा से पहले, पहली आखिरी डिबेट में आपके साथ में आया था, मैंने कहा था शबनम लोन जी को कुछ दिन के बाद मिलेंगे, दोबारा आज तक मुझे दिखाई नहीं दिए, और आपको कहता हूं उसको लाओ जरा सामने हम बात करें। ये मेरी बहन जो मैडम बात कर रहे हैं ना, ये मैडम जी, बिट्टा ये जी मैं हाई एक बार कोर्ट एक और बार सुप्रीम तस्वीरें कोर्ट दिखा नहीं है दीजिए, जहां, आ रहा हूँ बिट्टा जी एक बार ये तस्वीरें दिखाइए मेरी बात, ये तस्वीर एजेंडे को पंक्चर करने वाली तस्वीरें देखिए, गिन के अगर आप बंदे गिनेंगे ना, 15-20 लोग नहीं है टोटल, ये लोग महबूबा मुफ्ती हैं, ये गिनकर 20 लोग नहीं इकट्ठे कर पाई, वो 370 के पक्ष में बड़ा, मतलब आज जो है बंद बुलाया गया, लेकिन लाल चौक भी बंद नहीं हुआ आज, आप सोचिए ये हालत है, कार्यकर्ता कम है पुलिस वाले ज्यादा हैं, ये हाल है इन लोगों का, ये नजरबंद रहे बाहर निकले, जिद अभी भी नहीं छोड़ी है, पाकिस्तान काला दिवस मना रहा है, ये लोग काला दिवस मना रहे हैं, तस्वीरें बहुत ध्यान से देखिए, कार्यकर्ता कम है पुलिस वाले ज्यादा है, कैमरे का बिल्कुल क्लोज फ्रेम है, क्योंकि खोलेंगे तो पता लग जाएगा आसपास लोग ही नहीं है, बिल्कुल क्लोज फ्रेम है कैमरे का, गिने चुने 4-5 चेहरे हैं, क्योंकि कैमरे का फ्रेम खुलेगा देखिए पुलिस वाले ज्यादा है, यकीन मानिए आप 370 के पक्ष में पूरा कश्मीर खड़ा, 370 के खिलाफ पूरा कश्मीर खड़ा हुआ है, 370 हटाने के पक्ष में पूरा कश्मीर है, लेकिन कुछ राजनीतिक दुकानदारी बंद हुई, इस वजह से सड़कों पर आज महबूबा मुफ्ती निकली, लेकिन 20 लोग नहीं इकट्ठे कर पाई, ये तो इनके हाल है। अब आप बोलिए एमएस बिट्टा जी, तस्वीरें आप मैंने दिखा दी, बोलिए आप बिट्टा जी, ये कश्मीर है, ये पूरा कश्मीर है, तो मैं मतलब बता आज रहा बंद बुलाया था, लाल चौक बंद नहीं हुआ आज इनसे। नहीं अमन जी ऐसा है, आपने शुरू से ही कह दिया था कि इनकी दुकानदारी बंद हो गई, इनकी दुकानदारी अब नहीं है, अगर इनमें हिम्मत होती तो लाखों की भीड़ इकट्ठी करके बताते कि कश्मीर की क्या हालत है, इनमें वो हिम्मत ही नहीं है। जो मैडम अभी बोल रहे थे, मैडम मैं हाथ जोड़ के आपको कहूं, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये जम्मू कश्मीर का फैसला है, ये उस जो नरेंद्र मोदी ने किया है, और आगे भी फैसले होंगे,
मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। की कोशिश की आप बेटा कश्मीरियों, अरे आप मेरी बात सुनिए मैडम, मैं जवाब दूंगा ठोक के, मेरी बात सुनिए। जब आदिवासी कश्मीर के अंदर, जब मेरे हिंदू, जब सिख या मुसलमान या भाई, जब मेरी बहनें जब पानी में बह रही थी तो हिंदुस्तान की फौज किसने भेजी थी? किसने भेजी थी? नरेंद्र मोदी ने भेजी थी। कोई भी कश्मीरी पानी में तूफान में बहना नहीं चाहिए। क्या उस वक्त क्या जवाब था? क्या जवाब था आपका? जब हमारे जवान शहीद होते थे तब आवाज आपकी कहाँ गई थी? आपको बोलना आता क्या? मुझे बोलना नहीं आता क्या? आपको जरा बोलना आता है? मुझे बोलना नहीं आता क्या? ध्यान से बात कीजिए मेरे साथ। कहाँ थे? कहाँ थे जब तिरंगे झंडे का अपमान हुआ? कहाँ थे? कहाँ थे? कहाँ थी आपकी आवाज? क्या था तिरंगा झंडा जिसका महबूबा मुफ्ती कहती थी यहाँ लहराएगा नहीं? बताया तिरंगा झंडा लहरा के बताया। याद रखिएगा, आप अपने रास्ते को बदलिए। कश्मीर की जनता ने आपको बिल्कुल खत्म कर दिया है, आपकी दुकानदारी बंद कर दी है कश्मीर की जनता ने। आज वो वाला कश्मीर नहीं है क्या? क्या कश्मीरी पंडितों को शहीद किया गया कभी बोले? क्या तिरंगे झंडे का अपमान किया गया कभी बोले? क्या जवानों की गोलियां चली कभी बोले? आप हमेशा पाकिस्तान की भाषा का इस्तेमाल करते, हमेशा पाकिस्तान से बात करो। कौन है पाकिस्तान? पाकिस्तान की ऐसी की तैसी, यह हिंदुस्तान है। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। कोई आंख उठा के देखे आंखें निकाल देंगे, ये वो कश्मीर है। आप लोगों की दुकानदारी बंद हो चुकी है मैडम, दुकानदारी बंद हो चुकी है। साथ लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। क्या दूसरे को बोलना नहीं आता? कश्मीर में तिरंगा कौन होता है? हम इज्जत करते हैं, बदतमीज से बोलिए आप। ये हंडवाड़ा की तस्वीरें हैं, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं तिरंगे के साथ। कश्मीर ये बदला है, ये बदला, ये देखिए आप, शानदार तस्वीरें हैं। 370 से आजादी के 2 साल, हंडवाड़ा की तस्वीरें, लोग सड़कों पर निकले हैं। कश्मीर में तिरंगा, कश्मीर फॉर तिरंगा। अमन जी मेरे को 2 मिनट दीजिए ताकि मैं अपना पॉइंट बता पाऊं। बिल्कुल, और उसी हिसाब से आपने 5 अगस्त को कहा कि कश्मीर स्वर्ग बनेगा, कश्मीर में विकास होगा। 370 बीड़ा है डेवलपमेंट के लिए, 370 डेवलपमेंट आई। आप मेरे को बताइए, आप मेरे को बताइए कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट 2 साल में क्या हुआ? मैं बताता हूँ आप, क्या IIT, मैं बताऊंगा, मेरे को तो बताने दीजिए। आपके झूठ बता रहा हूँ। आपने कहा डेवलपमेंट होगी, जॉब्स आएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या तिरंगे झंडे का अपमान हुआ? आपने कहा जवानों की शहादत हुई? कहा है कंपनी? क्या आम आदमी मारा गया? रोज ठोकते, रोज ठोकते। आपकी दुकानदारियां जनाब बंद हो गई। आपने देश का झूठ बोला, क्या विकास चाहते हैं? देश के साथ धोखा किया है। विकास कश्मीरी का होगा, आप लोगों का नहीं। आप लोगों ने बहुत विकास कर लिया, बहुत कर लिया। आम कश्मीरी का विकास होगा, आम जनता की बात होगी। हमारे खून पसीने का पैसा हिंदुस्तान के टैक्स का सारा कश्मीर में चले जाता। आप लोग आ जाते थे, पैसे विदेशों को हवाला करके भेजते थे। आज कश्मीर की वो हालत नहीं है। आज कश्मीर में स्कूल भी अच्छे होंगे, आज कश्मीर में यूनिवर्सिटियां भी बन रही हैं, आज कश्मीर में आम आदमी का विकास हो रहा है। आज का वो कश्मीर है। आपको तकलीफ है कि आप जो आप 2014 से बोल रहे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, तू दुकानदारियां बंद हो चुकी है। आप देखिए, आम कश्मीर की जनता की बात कीजिए, हम फैक्ट्स पर बात करते हैं।